एक सितारा ऐसा चमका रोशन हुआ जहां, उस सितारे का नाम था शिव भोला भगवान। तो हम सभी आज, हम सब के लिए बेहद हर्ष की बात है, बेहद खुशी की बात है कि हम सभी हमारे मीठे शिव भोलेनाथ का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आज का पावन पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। थोड़ा सा दो चार मिनट के अंदर ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी की जयंती हम मनाते हैं, बर्थडे होता है उनका, गांधी जयंती होगी तो गांधी नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर होकर गया है जिसका बर्थडे मनाया जाता है। ऐसे ही बुद्धा जयंती है, गुरु नानक जयंती है, सभी देहधारियों की जयंती है। तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अजन्मा की भी जयंती है, उनके सबके तो जन्म हुए इसलिए जन्मदिन हुआ, परंतु ये शिव जयंती उस निराकार परम पिता परमात्मा जो अजन्मा है, अशरीरी है, अभोक्ता है, उसकी जयंती है। तो उसकी जयंती कैसे मनाई जाए, उसका जन्म कैसे होता है? तो परमात्मा कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। लौकिक जन्म तो गर्भ से होते हैं, वो कहता है मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, मैं तो सर्व आत्माओं का मात पिता हूं, मेरा कोई मात पिता नहीं, मैं अजन्मा हूं। तो कैसे जन्म लेते हैं वो? परमात्मा कहते हैं मैं अपना कार्य कराने के लिए पर काया प्रवेश करता हूं, अपना कार्य कराने के लिए। उसका मुख्य कार्य क्या है? आ करके सारे विश्व को पतित से पावन बनाना। उसके लिए उसको राजयोग भी सिखाना पड़ता है। वो आकर के कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देता है, तो इसलिए उसको तो आना पड़ेगा, आकर के अपना ज्ञान भी सुनाना पड़ेगा, योग भी सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा एक ब्राह्मण जिसके तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं और उसके द्वारा अपना कार्य कराते हैं, उसी को नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वैसे तो ब्राह्मण ही थे, कृपलानी फैमिली से बिलोंग करते थे, पर तो उसके तन में परमात्मा ने सिंध हैदराबाद जो वर्तमान पाकिस्तान में है वहां आज से 88 वर्ष पहले प्रवेश किया और उसके द्वारा आकर के यज्ञ की स्थापना की, एक यज्ञ रचा। तो यज्ञ में तो ब्राह्मण चाहिए, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ कैसे स्थापन होगा? तो इसलिए परमात्मा ने उस ब्रह्मा मुख से जो बच्चों को जन्म दिया वो ब्राह्मण कहलाए। तो हम सब यज्ञ के ब्राह्मण हैं। यहाँ जो भी बैठे हुए सब कौन है? भले आपने ब्राह्मण कुल में जन्म ना लिया हो तो भी आप सच्चे ब्राह्मण हो। नशा रहना चाहिए ना, ब्राह्मण बड़े ऊंच होते हैं। जिस दिन शिव परमात्मा ने पर काया प्रवेश किया तो फिर हमारा भी जन्मदिन हो गया। तो ये आज शिव जयंती का जो दिन है, जहां परमात्मा का अवतरण दिवस कहो या उसकी जयंती कहो, उसके साथ साथ अब बच्चों की भी जयंती है। क्या कहे, बर्थडे है, परमात्मा का भी बर्थडे, हम बच्चों का भी बर्थडे, तो कितनी खुशी की बात है। ऐसा तो शायद ही होता होगा कि एक ही दिन में बाप का भी जन्म हुआ हो, उसी दिन में बच्चों का भी जन्मदिन हुआ हो। चलो एक बच्चे का तो मान ले हो जाता है, पर सारे के सारे बच्चे उसी दिन पैदा हुए हो, तो इसलिए आप सबका बर्थडे है। तो ये अपनी खुशी में खूब तालियां बजाओ, बारंबार मुबारक हो। और जैसे आज मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे सदा खिले रहे।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारी जगा रहा। अवतरित होकर सुन लो सभी दिशाओं में आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। पूछ रहा सिंहासन ने सुन लो सभी दिशाओं में Give a card.